वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, ये LRC बिहार की वैकेंसी आई हुई थी अमीन की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज थी वैकेंसी, ठीक ना। तो शुरुआत में स्पेशल सर्वेयर कलर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक आई हुई थी। तो उसमें अभी फार्म भरा चुका है, 1/4/2019 तक लास्ट डेट था। तो इसका हम एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे और उसमें कैटेगरी वाइज कितना छूट सबको मिला है उसमें हम बताएंगे, ठीक ना। OBC EWS सब के लिए बताएंगे और उसमें हम फॉर्म कितना फिल हुआ है वो भी बताएंगे। और टोटल वैकेंसी इसमें 550 वैकेंसी थी और बाकी अमीन का जो है स्पेशल अमीन के लिए है, ठीक ना। ये सब काम आगे हम बताएंगे, इसका आगे वीडियो बुलाएंगे, ठीक ना। तो पहले आप हम लोग देख लेते हैं स्पेशल सर्वे कलर के लिए देख लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टिप दीजिए कि आने वाला वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अनुसूचित जाति SC के लिए आपका पोस्ट 88 है और उसमें रिजर्वेशन 16% SC के लिए रिजर्वेशन है। अब आते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति ST के लिए पोस्ट आपका 6 है और रिजर्वेशन 1% रिजर्वेशन है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC प्लस EBC के लिए आपका पोस्ट 99 है और 18% आपका रिजर्व है। और पिछड़ा वर्ग EBC के लिए आपका पोस्ट 66 है, 12% आपका रिजर्व है, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए पोस्ट आपको 16 पोस्ट है। और हम लोग आगे देखते हैं फिर अनारक्षित UR के लिए आपको पोस्ट 220 है और 40% आपका रिजर्व कोटा में है, ठीक ना। अब अत्यंत रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए पोस्ट 55 है और 10% रिजर्वेशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं टोटल फॉर्म कितना भराया गया है, तो 1,14,000 प्लस भराया गया है टोटल फॉर्म, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जनरल में 72 से 75 जा सकता है और EWS में 70 से 71 जा सकता है कट ऑफ। और हम लोग OBC प्लस EBC में आपको 66 से लेकर 70 तक कट ऑफ जा सकता है और AC और 62 से लेकर 65 तक जा सकता है। ST की बात कर लिया जाए तो 55 से लेकर 58 तक कट ऑफ जा सकता है। और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताए हैं हम, और ये एकदम यही नहीं कि आएगा ही, आगे पीछे भी हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, मैट्रिक में आपका 10 अंक जुटेगा, इंटर में आपका 15, स्नातक में आपका 70% जुटेगा, स्नातकोत्तर मतलब PG में आपका 5% जुटेगा। तो कैसे जुटेगा, उसका प्रक्रिया क्या, ये हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मैट्रिक में 80% लाए हैं तो उसका 10% जुटेगा, तो 80 × 10/100 कर लीजिएगा तो 8 अंक आएगा। इंटर में भी वैसे ही दिया हुआ है, तो इंटर में आपका मान लीजिए 70 आया है तो 15 से गुना कीजिएगा, 100 कीजिएगा तो 10.5 अंक आ जाएगा। तो ग्रेजुएशन में आपको 60 अगर लाए हैं तो 70 का आपका परसेंट आएगा, तो मान लीजिए 60 × 70/100 तो 42 अंक आएगा। अब स्नातकोत्तर में मान लीजिए, स्नातकोत्तर मतलब PG हुआ आपका, उसमें 50 अंक लाए हैं तो उसका 5% निकालना होगा, तो 50 × 5 कीजिएगा, 100 कीजिएगा तो 2.5 अंक आएगा। और चारों को आपको जोड़ देना है, ठीक ना। तो 8 + 10.5 + 42 / 2.5 तो आएगा आपको 63 अंक आएगा। तो ये आपका चयन प्रक्रिया ऐसे होगा। जो लोग मान लीजिए फॉर्म को ये किए हैं, भरे हैं, तो आप कितना परसेंटेज आ रहा है ऐसे आप लोग निकाल के टोटल जोड़ के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा एक्सपेक्टेड कटअप के हिसाब से, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टिप दीजिएगा।